स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देखा कि सेट्स क्या है एंड टाइप्स ऑफ सेट्स अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स जो कि सेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे ज्यादा हमें फोकस इसी पार्ट में करते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी पार्ट से आते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट में सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है सबसेट फर्स्ट ऑपरेशन है सबसेट सबसेट क्या होता है सबसेट को हम लोग एक सिंबल अगर हमारे पास इफ टू सेट्स ए एंड बी ये टू सेट्स हैं देन ए सबसेट बी इसको हम डिनोट करते हैं ए सबसेट बी ए इज द सबसेट ऑफ बी ए सबसेट बी इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए

नॉट पॉसिबल दैट द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इन द सेट ए इसको हम एक वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट हमारे पास ये बी है जिसमें एलिमेंट है वन टू थ्री फोर एंड फाइव इससे एक लेकर एक छोटा सेट हमने और बना दिया जिसको हमने ए कह दिया तो हम देखेंगे कि ए इज अ प्रेजेंट इन अ सेट ए ए मीन्स फोर एंड फाइव फोर एंड फाइव इज प्रेजेंट इन अ सेट ए एंड फोर एंड फाइव आल्सो प्रेजेंट इन अ सेट बी फोर एंड फाइव इन प्रेजेंट इन सेट ए एंड फोर एंड फाइव आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी बट वन टू थ्री वन टू थ्री इज नॉट प्रेजेंट इन अ सेट ए तो इसे हम कहेंगे ए इज द सबसे टॉप बी सबसे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल इसका हम ये भी ले सकते हैं कि इन ए, एक इलेवेंथ क्लास है एक इलेवेंथ क्लास है इलेवेंथ क्लास में कई सेक्शन है ए सी ए बी एंड सी वी कॉल ए इज द सबसेट ऑफ टफ इलेवेंथ ए इज द सबसे ऑफ इलेवेंथ इलेवेंथ बी इज द सबसेट ऑफ इलेवेंथ इलेवेंथ सी इज द सब्जेट ऑफ क्लास इलेवेंथ इलेवेंथ ए बी सी बोथ आर द सबसेट ऑफ इलेवेंथ क्लास तो इलेवेंथ क्लास इज द सेट एंड सेक्शन आर द सबसेट तो वही कहता है ए बिलोंग्स टू बी मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जैसा कि अभी हमने यहां लिया था बी इज सेट विच एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव एंड सेट ए एलिमेंट ऑफ फोर एंड फाइव वी सी दैट फोर एंड फाइव आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी देर फॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी ए इज द सबसेट ऑफ बी सिमिलरली इसका डिफरेंट फाल्ट यह भी है इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए बी ऑफ द सबसेट ऑफ ए देन वी से दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए ये बी एक्स इज द एलिमेंट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी सबसेट है एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए सबसेट बी देअर फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एम्प्लायज एक्स बिलोंग्स टू बी वेन बी इज दबसेट ऑफ हैंग्स टू बी एम्प्लायज एक्स बिलोंग्स टू ए इसका उल्टा फिगर हो सकता है कह सकते हैं कि अगर हमने दूसरा फिगर ले लिया ए है जिसके एलिमेंट है वन फोर सिक्स एट और एक बी है जिसका एलिमेंट है एट मीन्स ए इज द वन फोर सिक्स एट एंड बी इज द ओनली एट देन वी सी दैट बी इज द सबसेट ऑफ ए बी इज द सबसेट ऑफ ए ये कह सकते हैं जो भी सबसेट होता है वो हमेशा एक बड़े भाई का छोटा भाई होता तो ए और बी में रिलेशन हमें दिख रहा है बी द सबसेट ऑफ ए इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी सभी ने अगर ये माइंड किया होगा कि यहाँ पर ये सबसेट का सिंबल है इसके साथ ये इक्वल लगा हुआ है इक्वल इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सबसेट में कभी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ए एंड बी बोथ के एलिमेंट्स आर इक्वल दोनों के एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं आपने हमारी डेफिनेशन में ध्यान दिया होगा हमने कहा था कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी बट नॉट कंपलसरी। नॉट कंपल्सरी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन ए कंपल्सरी नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि बी के एलिमेंट भी ए में हों इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हमने सेट ए ले लिया ए ले लिया हमने वन एंड टू और बी ले लिया टू एंड वन देन वी सी से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए ये दोनों आपस में सबसेट होंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं तो यहाँ पर सबसेट इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी तो इसी से ही एक पार्ट हमारा और बनता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट जिसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट सबसेट का ही पार्ट है प्रॉपर सबसेट अभी हमने सबसेट में कहा था कि सबसेट की जो डिफिनेशन होती है जो सिंबल होता है वो सिंबल में हमें इक्वल भी लगा हुआ था और ये भी कहा था कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ऑल एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होंगे लेकिन अगर प्रॉपर रूप में प्रॉपर मीन होता है वास्तविक रूप से वास्तविक रूप से सबसेट क्या होगा उसमें इक्वल नहीं होगा वास्तविक रूप से सबसेट होगा ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इसमें हम इक्वल नहीं लगाएंगे एक्स बिलोंग्स टू ए सबसेट बी इसका फॉर्मूला भी वही होगा फॉर्मूले में चेंज नहीं है बट समझने के अनुसार चेंज है कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट बी मीन्स यहाँ इक्वल नहीं होगा जो अभी आपको हमने एग्जाम्पल दिखाया था ये एग्ज़ाम्पल में था जो आपके पास बी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव एंड ए इज इक्वल टू फोर एंड फाइव देन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, बट इक्वल नहीं है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट तो सबसेट का ही एक पार्ट है प्रॉपर सबसेट इससे अलग से नहीं बना हुआ है इसी से ही बना हुआ है अब आप लोगों ने एक चीज और देखा कि अगर हमारे पास ए वन टू थ्री है तो इससे हम कई सबसेट बना सकते हैं जैसे दिखाता हूं मैं वन वन को हमने लिया ये भी इसका सबसेट होगा क्योंकि इसी से मिल ये वन इसमें प्रेजेंट है तो इसका अगर हमने नाम हमने दे दिया कोई सेट बी देन बी इज द सबसेट ऑफ ए अगर हमने ले लिया टू इसका नाम सी दे दिया तो कहेंगे सी इज द सबसेट ऑफ ए इसी तरह से हमने एक नाम दे दिया डी जिसको कह दिया हमने थ्री इसको भी हम लोग कहेंगे डी इज द सबसेट ऑफ ए अब ऐसे ही अगर हमने ई ले लिया और इसमें ले लिया वन एंड टू ये भी हमारे पास कहलाएगा कि ई इज़ द सबसेट ऑफ ए इसके बाद हम एफ ले लिया हमने टू और थ्री को लेकर तो एफ को भी कहेंगे एफ इज द सबसेट ऑफ ए इसी तरह से हमने नेक्स्ट ले लिया थ्री एंड वन को लेकर इसको भी हम सबसेट कहेंगे जी इज द सबसेट ऑफ ए और ऐसे ही हमने एक अगला सेट ले लिया वन टू थ्री और इसको भी हम कहेंगे एच इज सबसेट ऑफ ए और एच इज सबसेट होगा और इक्वल भी होगा ये सभी सेट ए बी सी डी ई एफ जी ये प्रॉपर सबसेट है बट एच इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट क्योंकि एच में वो पूरे एलिमेंट आ गए हैं जो कि ए में है तो आपने देखा कि थ्री एलिमेंट थे और थ्री एलिमेंट को लेकर हमने इतने सारे सबसेट बना दिए थ्री एलिमेंट को लेकर हमने इतने सबसेट बना दिए तो क्या हम और भी सबसेट बना सकते हैं तो और भी सबसेट बना सकते हैं, हैं कि नहीं बना सकते इसका आंसर होगा एक फॉर्मूले से वो फार्मूला कहलाता है नंबर ऑफ सबसेट नंबर ऑफ सबसेट यहां हम सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं इस फार्मूले को हम लोग जब आप आगे आएंगे तो उसमें बायनोमियल थ्योरम में इसी फार्मूले को हम प्रूफ करेंगे ये फार्मूला होता है टू टू दावर एन टू टू दावर एन टू टू पावर एन मींस होता है एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जैसे इसको अगर हम चेक करें तो इसमें सेट में कितने एलिमेंट हैं थ्री तो यहां हमने कर दिया टू टू पावर थ्री और वो आ गया एट टू टू पावर थ्री और आ गया एट एट आ गया अब इसको काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब एक सबसेट हमारा अभी छूटा है एक सबसेट हम और बना सकते हैं वो सबसेट क्या होगा वो सबसेट हर सेट का सबसेट होता है वो सबसेट जो भी सेट लेंगे उसका सबसेट एक होगा ही होगा जिसे कहते हैं एमप सेट या फाइ ये भी कह सकते हैं या फाइ एक सेट सबसेट आपका जिसको हम नाम दे देते हैं आई यह सबसेट जो है वो हर सेट का एक सबसेट जरूर होगा तो ये सेट तो आपको बनाना ही बनाना है और बाकी सेट होंगे ही होंगे जैसे मान लो अब काउंट कॉल अब एट हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट अगर मान लो हमारे पास सिर्फ टू एलिमेंट थे कितने एलिमेंट थे टू तो नंबर ऑफ सेट कितना होगा टू की पावर टू फोर अब देखो फोर कैसे होगा सिर्फ वन और टू है तो वन को लेकर एक सेट बनाएंगे एक टू को लेकर बनाएंगे एक वन और टू को लेकर बनाएंगे तीन ये हो गए एक फाइव वाला हो गया फोर हो गए वन टू थ्री और फोर तो क्या मिला था हमें फोर मिला था तो हर सबसेट का हमें नंबर ऑफ सेट हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्लियर इसी से ही सबसेट का ही एक पार्ट आता है कभी कभार वो कंफ्यूजन होता है आप लोगों में वो मैं बता देता हूं वो उसे हम कहते हैं पावर ऑफ सेट पावर ऑफ सेट पावर ऑफ सेट क्या होते हैं कि जितने भी हमने सबसेट बनाया उस सेट का एक सेट बना दे जितने भी सबसेट बनाए उन सेट का एक सबसेट बना दे उन सबसेट का एक सेट बना दें मीन्स फाइव वन टू थ्री वन टू टू थ्री थ्री वन एंड वन टू थ्री तो इस सबसेट को लेकर एक हमने सेट बना दिया इसको हम कहेंगे पावर ऑफ सेट और ये पावर ऑफ सेट होगा टू टू पावर एन पावर ऑफ सेट कितना होगा टू टू पावर एन ही आएगा क्योंकि यहां पर एट ही एलिमेंट है एट ही सबसेट है तो ये हमारा पार्ट था सबसेट ये फर्स्ट पार्ट सबसेट के ही इतने पार्ट थे ये फर्स्ट ऑपरेशन आपने सीखा अब सेकेंड ऑपरेशन में आते हैं सबसेट का एक पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है इसकी एक आपको इस अलग ही एक्सरसाइज मिलेगी अब नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास सेकेंड ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट यूनियन ऑफ सेट यूनियन ऑफ सेट सभी सेट की डेफिनेशन में हम टू सेट लेंगे इफ ए एंड बी आर टू सेट एंड बी आर टू सेट ये हमारे पास रहेगा इफ ए एंड बी आर टू सेट तो ए एंड बी आर टू सेट देन इसका फॉर्मूला बनेगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इसके साथ में एक और होता है वो हम लिखते नहीं हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी इसको हम लोग लिखते नहीं हैं क्योंकि वो इसी में आ जाता है क्या डेफिनेशन बना इफ टू सेट्स A एंड B देन their यूनियन ऑफ सेट which आर प्रेजेंट इन सेट A और सेट B और A एंड B बोथ which एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए सेट बी एंड बोथ ए और बी और ए एंड बी बोथ दोनों में होना चाहिए जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हमारे पास सेट ए है ए एंड बी और सेट बी है बी सी डी तो अगर हमें इसका यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी ए यूनियन बी होगा विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए और बी तो ए और बी मीन्स पहला तो हम दोनों का कॉमन एलिमेंट ले लें क्योंकि वो ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है बाकी जो बच गया ए और जो कॉमन है बी एंड सी एंड डी अब अगर हम किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करेंगे ए आर प्रेजेंट इन ए कैपिटल ए बी इज प्रेजेंट इन कैपिटल बी C is present in capital V, D इन present in capital बी and B is also present in A and B दोनों में है तो definition मिल गया A और B तो इतने से ही हमें मिल जाता है इसलिए both वाला लिखने की जरूरत नहीं है but B is the present in A or B both दोनों प्रेजेंट है तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है एक से ही हमारा मिल जाता है ठीक है अब हमारे पास हम सबसे पहले इनके फॉर्मूलों को समझाते हैं फिर सभी के बारे में एक एग्जाम्पल से और समझेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सेट तो यहां भी हमारे पास होगा इफ ए एंड बी आर टू सेट देन इसको हम डिनोट करते हैं इस इंटरसेक्शन बी ये अब उल्टा यू होता है अगर हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है जो कि इनके इंटरसेक्शन में है तो इसको हम दिखाएंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी ए एंड बी एंड लगा हुआ है यहाँ ध्यान देंगे दोनों में कॉमन हो तो जब दोनों में कॉमन होगा तो हमें ऐसा एलिमेंट लेना है जो दोनों में हो जैसे ए ए एंड बी हमने लिया था बी बी एंड सी लिया तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो विच एलिमेंट आर प्रेजेंट ए एंड बी बोथ देन वी कॉल ए इंटरसेक्शन बी देन नेक्स्ट है हमारे पास है फोर्थ पार्ट इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन हो गया फोर्थ पार्ट है डिफरेंस सेट डिफरेंस सेट डिफरेंस सेट मींस होता है ए एंड बी का डिफरेंस ए एंड बी का डिफरेंस मीन्स x belongs to a and x is not belongs to b x belongs to a and x is not belongs to b और इसी का आपोजिट हो सकता है b minus a जिसको हम लोग कहेंगे x belongs to b and x is not belongs to a इसको कैसे समझेंगे इसको एक एग्जांपल लेते हैं a equal to वन टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू टू थ्री फोर अगर हमसे ए माइनस बी निकालना है तो डेफिनेशन ध्यान दें विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट बी तो हम क्या कर दें बी का कॉमन एलिमेंट ले ले ए और बी के कॉमन एलिमेंट को ले ले तो अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट बी मीन्स वन और अगर B- माइनस ए निकालेंगे तो विच एलिमेंट्स आर B, बट नॉट A, मीन्स फोर तो इसे हम इसे हम कहेंगे B- माइनस ए इसी का एक पार्ट है B- माइनस ए का ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है वो होता है यू माइनस ए इफ़ अगर कोई भी हमारे पास सेट ए है तो उसका यू माइनस ए यू मीन्स यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट आपने देखा होगा कि हम वेन डाइग्राम बनाते थे तो इसमें यू लिखते थे यू मीन्स अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसमें एक यूनिवर्सल सेट लेना ही पड़ेगा तो उसको कहते हैं यू माइनस ए यू माइनस ए भी बनता है कि विच आर प्रजेंट इन यू एंड नॉट प्रजेंट ए और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश से किसे डिनोट करते हैं ए डैस ए डैश इज कल टू यू माइनस ए या एक्स माइनस यू एंड एक्स इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो उसके यूनि यूनिवर्सल से माइनस कर देना है जैसे अगर मान लो यूनिवर्सल सेट है वन टू डोट 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 टेन और हमारे पास सेट ए है वो सेट है हमारे पास टू फोर सिक्स एट तो अगर हमें ए निकालना है तो ए हमारा होगा कि यू माइनस ए यू में से ए वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दो क्या बचेगा वन टू है तो टू नहीं लेंगे थ्री फोर है फोर नहीं लेंगे फाइव सिक्स है सिक्स नहीं लेंगे सेवन फिर एट है एट नहीं लेंगे नाइन और टेन किसी का भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है तो उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं अब एक एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं जिससे आप लोग को हम सभी ऑपरेशनों के बारे में बता देते हैं एक एग्जाम्पल लेंगे उसमें जितने भी ऑपरेशन आपको अभी हमने बताया है उस ऑपरेशन को हम लोग उसमें सॉल्व करके निकालेंगे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जैसे हमने ले लिया U इज उकल टू वन टू थ्री फोर डॉट डोट डॉट टेन इज टू वन थ्री फोर सिक्स सेवन एट एंड बी इज इक्वल टू टू थ्री फाइव सिक्स एट नाइन टेन ये हमने टू सेट ए एंड बी ले लिए फर्स्ट हम निकालते हैं ए यूनियन बी ए यूनियन बी का हमने डेफिनेशन बताया था कि विच आर प्रेजेंट ए और बी तो हम क्या करते हैं ए और बी में पहले कॉमन एलिमेंट देख लें थ्री कॉमन सिक्स कॉमन एंड एट कॉमन थ्री सिक्स एंड एट कॉमन हो गया तो ए यूनियन बी में हम जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी एलिमेंट को लिखते जाएंगे वन टू है टू लिख दिया थ्री है थ्री लिख दिया फोर है फोर लिख दिया फाइव भी है सिक्स दोनों में है एक बार लिखा सेवन एट दोनों में है उसको भी एक बार लिखा और नाइन लिख दिया और टेन लिख तो ये हमारा मिल गया ए यूनियन बी अब अगर दूसरा हम निकालें ए इंटरसेक्शन बी मींस विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बोथ ए एंड बी तो ए एंड बी में कौन कौन से प्रेजेंट है थ्री सिक्स एंड एट थ्री सिक्स एंड एट तो ए इंटरसेक्शन बी इज कल टू थ्री सिक्स एंड एट सिमिलरली थर्ड नंबर अगर हम फाइंड करें ए माइनस बी तो ए माइनस बी विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट बी तो जो बी में कॉमन है उस एलिमेंट को छोड़ दीजिए तो क्या क्या कॉमन है थ्री सिक्स एट तो ए में से थ्री सिक्स एट को माइनस कर दे बचा क्या वन फोर एंड सेवन और ऐसे ही अगर बी माइनस ए फाइंड करना चाहें तो बी में से उस एलिमेंट को माइनस कर दो जो कि ए में प्रेजेंट है मीन्स थ्री सिक्स एट को माइनस कर दो बचा क्या टू फाइव नाइन एंड टेन टू फाइव नाइन टेन अब अगर हम अब अगर हम इसी से ए डैश फाइंड करें ए डैश फाइंड करें तो क्या होगा यू माइनस ए डैश फाइंड करें क्या मिलेगा यू माइनस ए मीन्स विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट ए तो क्या होगा देखिए जरा ध्यान से वन है तो वन नहीं लिखेंगे टू नहीं है तो टू लिख दिया थ्री है नहीं लिखेंगे फोर नहीं लिखेंगे फाइव नहीं है फाइव को लिख दिया सिक्स है सेवन है एट है क्या नहीं है नाइन एंड टेन तो नाइन टेन को लिख दिया अब सिमिलरली अगर हमें बी डैश निकालना है मीन्स यू माइनस बी जो u में है बट b में नहीं है तो बी में देखें टू है मीन्स वन नहीं है वन को लिख दिया टू थ्री फोर नहीं है फोर को लिख दिया फाइव सिक्स सेवन नहीं है सेवन को लिख दिया एट नाइन टेन ये बाकी सब हैं उनको नहीं लिखेंगे तो हमें क्या मिल गया बी डैश जो कि है वन फोर और सेवन यहाँ आप लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास फार्मूला जो हमें मालूम हो जो अभी फार्मूला आपको बताया तो हम सभी कोई भी एक हमारे पास ये ए और बी कोई भी सेट दे उससे हम यूनियन इंटरसेक्शन डिस्ट डिफ्रेंस कॉम्प्लीमेंट सेट सभी सेटों को निकाल सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही पेपर में पूछा जाता है इसलिए इसको ध्यान रखेंगे इसको सीखना भी बहुत जरूरी है बहुत ही अच्छे से सीखेगा और क्वेश्चन लगाएंगे इस तरह से मेरा ये तो, इसका टॉपिक ये ख़त्म हो गया ओके धन्यवाद